उसने कहा, बाबा जिस देश में इंद्र की पूजा नहीं होती है क्या वहां पानी नहीं बरसता है? वहां भी तो पानी बरसता है। तो इंद्र की पूजा करने से भी पानी देंगे, ऐसी बात है? यहां गिरराजी है, ये गिरराजी से स्वतः ही झरने निकलते हैं और चारों ओर कितने सरोवर नदियां हैं, यहां पानी की प्रचुरता है। आकाश तक मेघ टकरा करके वर्षा करते हैं, तो बादल पहाड़ों में टकरा कर जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर पेड़ों से हरियाली से बादल पानी बरसाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तो पानी बरसता है, हम गिरिराज की क्यों नहीं पूजा करें? आज तक तो कभी देवराज इंद्र ने दर्शन नहीं दिया और न उन्होंने हमें कोई वरदान दिया, इसलिए हम सभी लोग चले गिरिराज की पूजा करें। नंद बाबा ने कहा कृष्ण जो कहेंगे वही मानना, कृष्ण की बातों पर। फिर सभी लोग बोले कि हम चले गिरिराज की पूजा करेंगे। सभी लोग जब पूजा करने गए और गिरिराज को अभिषेक किया पंचामृत आदि से और अभिषेक करके जब भोग लगाने लगे उस समय गिरिराज के स्वरूप में भगवान कृष्ण स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सबके दिए हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे, भोजन करने लगे और बोले कि आनंद है आनंद है और लाओ और लाओ। सभी ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आप प्रसन्न हो जाए, जो कुछ बना था वही लाया और इसी से आप तृप्त हो जाए। तो गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए, हाथ मुंह धो करके बैठे, बैठ करके बोले कि आप सभी लोग वर मांगे जिनकी जो कुछ इच्छा सो मांगे। कृष्ण ने कहा बाबा देखिए आज तक कभी देवराज इंद्र ने न हमें वरदान दिया न हमें कभी दर्शन दिए, गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर के भोजन किया और उनके आशीर्वाद से सारा प्रसाद परिपूर्ण हो गया। दूसरी बात वर लेने को कहें, सभी लोग उनको प्रणाम करते हुए हम सभी लोग वर मांगे जिनके जो इच्छा। आज भी ब्रज में वह जागृत देवता प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज जी, जो सभी लोग उनके प्रणाम में परिक्रमा लगाते और उनसे मांगते सबकी समस्त अभिलाषाओं को पूरा करने वाले। ब्रजवासियों की क्या इच्छा होती है? ब्रजवासियों ने सब ने उनसे प्रणाम किया और वर मांगा कि हमारा कृष्ण कुशल से रहे और हम सब कृष्ण की सेवा में जुटे रहे, उनमें हमारी प्रति भक्ति। इस प्रकार सबने अपने अपने इच्छा के अनुसार वर मांगा और सभी लोग बड़े आनंदित हुए, गिरिराज की परिक्रमा हो जाए। इस तरह से ब्रजवासियों ने जब गिरिराज की पूजा कर ली, देवराज इंद्र ने देखा कि अच्छा हमारा इतना बड़ा अपमान किया गया, हमारी पूजा बंद करा दी और इस धूर्त बालक के कहने से जो बाचाल बालिश स्तब्धम पंडितम अज्ञवान और ये ग्वाले सब गोप लोग इन बाचाल बालिश धूर्त इस बालक के कहने से हमारी पूजा बंद कर दी, अभी इसका हम प्रतिकार करेंगे। ऐसा कह करके सारे बादलों को आदेश दिया जाओ मूसलाधार पानी वर्षा के साथ में ब्रजभूमि को डुबो, साथ ही साथ कड़कड़ाहट के साथ में घना घोर बादल छा गया कि एकदम त्राहे त्राहे मच गई, चार और पानी पानी हो गया, मूसलाधार पानी बरसा। ब्रजवासी जान अब पुनः की अब क्या करे क्या करे, कृष्ण ने कहा बिजली गिरने लगी, विद्युत बिजली चमक रही है और कड़कड़ाहट के साथ में वज्र गिर रहा है। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने कहा आप लोग चिंता न करें, गिरिराज जी हम सबका शरण देंगे और वे हमें आश्रय देंगे। इस प्रकार हम सभी लोग चले गिरिराज में, वहां पर जैसे ही पहुंचे कि कृष्ण ने अनायास छतरी की भांति गिरिराज को ऊपर उठा लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज को रख लिया। 7 दिन तक गिरिराज ऊपर कृष्ण के मान हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज टिके और गिरिराज जी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ऊपर से देवराज इंद्र इतना पत्र गिरा रहे हैं उनको फूलों की वर्षा जैसे कि फूल गिर रहे हैं, इस प्रकार आनंद में डूबे हुए उनको कोई भी कष्ट नहीं। और बलदेव जी ने चारों
से नाग की भांति सर्प के चारों ओर घेर लगा दिया और सभी लोग अंदर चले गए और आराम से हैं, किसी को कोई पता नहीं। सखाओं ने लठियां लगा दी, सखियों ने इशारा कर दिया, राधा जी ने इशारा कर दिया गिरिराज के ऊपर टिके हुए। इस प्रकार कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण करते हुए देवराज इंद्र के गर्भ को चूर्ण कर दिया। जब देवराज ने देखा है ये तो बड़ी भारी गलती हो गई, ब्रजवासी लोगों को कुछ भी ये नेट भी कुछ भी बिगड़ा नहीं और सब जैसे के वैसे सुरक्षित है, कृष्ण ने सबकी रक्षा कर ली। ये तो साधारण बालक नहीं थी, ये तो परब्रह्म। उस समय गौ माता सुरभि माता को आगे करके क्षमा मांगने को आए और हाथ जोड़ करके सरस्वती प्रार्थना करने लगे क्षमा मांगे। आकाश गंगा के पानी से कृष्ण को गोविंद नाम से अभिषेक किया। जो गोप गोपी ब्रजजन सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका प्रेम वर्धन करते हैं, ऐसे जो भगवान गोविंद उन ब्रजजनों के प्रेम में सेवा के द्वारा स्वयं आनंदित होते वे हैं भगवान श्री गोविंद। वे तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला विलासी है। इस प्रकार देवराज इंद्र के दर्प को चूर्ण किया। ऐसे ऐसे ब्रज में जो कोई आए उन सब के दर्प अहंकार को चूर्ण करते हुए प्रभु ने लीलाएं की। उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सी लीलाएं की। इस प्रकार लीलाओं के द्वारा सबको ब्रज में, ब्रज को प्रेम रूपी समुद्र में निमज्जित कर दिया। अर्थात प्रेम की बार बहाय कृष्ण जो है वे रसी शेखर है। इस प्रेम रस निर्यास के आस्वादन के लिए आए और भक्त जनों के भक्ति प्रेम उन्होंने आस्वादन किया। इन तक मैं अपना वक्त बदलता हूँ, इससे आगे हमारा दिशा है पंचावर इस प्रकार से छोटे से बालक ने किस प्रकार से सनातन धर्म के विरोधियों को ध्वंस कर भक्तों की रक्षा की और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। यह सनातन धर्म भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा है ये सनातन धर्म है। ये वर्णाश्रम धर्म और सांसारिक धर्म के लिए नहीं कहा गया, इसलिए इसको कहा जाए छोड़ करके किसकी प्रतिष्ठा की, इस सनातन प्रेम धर्म, प्रेम जीव मात्र का धर्म है। ये बाघ में भी, सिंह में भी, सांपों में भी, पशु में, पक्षी में, कीट में, सभी में देखा जाए, मनुष्य मात्र में देखा जाता है। केवल फिजी के मनुष्य में नहीं, भारत के, इंग्लैंड, अमेरिका सब लोगों में ही, यहाँ तक कि कुत्तों में भी, सुअर में भी, गधे में भी यह प्रेम है। किंतु यह प्रेम अभी सांसारिक है। इसी प्रेम को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा देंगे। कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही सखा हैं। तमेव माता पिता च तमेव तमेव सर्वम इत्यादि वो शपथ लाया। इसलिए कृष्ण ही मूल है इस चीज को और उनकी सेवा करना ही यही परम धर्म है। इससे बढ़कर के परम इस धर्म को स्थापना करने के लिए कृष्ण आए। एक बात है क्या, और भी कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं जिसका हम लोग आज तो सब वर्णन नहीं कर सकते, थोड़ा सा और ना तो हम थोड़ा सा बोलेंगे। एक बात समझिए, जब पृथ्वी गो माता होकर के गई, देवताओं के पास में पहुंची और ये सभी लोग गो माता को साथ लेकर के ब्रह्मा के पास में पहुंचे ना, तो ब्रह्मा देखा जैसे ये हमारे बस की तो बात नहीं है, फिर समुद्र के तट पर गए और उन्होंने समाधि लगाई, आत्मसमर्पण किया और यह बात कही। थोड़ी देर के बाद में उठे और बोले जी देखो हमको समाधि में एक देव वाणी सुनाई पड़ी, हमारे प्रभु जो विश्व के आधार है कौन, गर्भोदशायी विश्व, उन्होंने कहा है हमको वहीं से दैवाणी कि कृष्ण स्वयं जो भगवान है वो जगत में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए भी जदुकुल में अवतरित हो रहे हैं।
और सारे देवता लोग कृष्ण की सेवा के लिए, और जितने देवताओं की पत्नियां हैं वो राधा जी की, उनकी सेवा करने के लिए अवतरित हों, और ये करके आदेश देकर के अपने धाम में चले गए। तो ब्रह्मा को तो ये पता है ना कि ये जदकुल में कृष्ण जो उत्पन्न होंगे कौन होंगे? स्वयं भगवान, ये पता है ना। उन्होंने ये देखा कि अरे अघासुर को मारकर कृष्ण ने मुक्ति दे दी, अद्भुत बात, तो बड़े दयालु हैं। तो फिर उसकी कौन सी परीक्षा बाकी रह जाती है? कोई परीक्षा बाकी रही? ये ब्रह्म है कि कौन परब्रह्म है, कि ये कृष्ण ग्वाला का लड़का है, कौन परीक्षा नहीं लेना? इसलिए परीक्षा भगवान की नहीं, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं, वो परीक्षा नहीं ले सकते हैं, वो तो पहले ही से पता है। और यहां पर भी देखा, उन्होंने सोचा जे हो ये प्रभु की कुछ और लीलाएं हम देखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती की, यदि प्रार्थना करते जे हे प्रभु और थोड़ी सी आप लीला दिखा दें तो बात तो ठीक थी, बात बिगड़ गई ये। उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, जे मैं अपनी बुद्धि से चुरा कर देखे थे ये क्या करते हैं प्रभु, जहां बछड़ों को चुरा करके ले गए फिर क्या हुआ, फिर बच्चे खोजने के लिए निकले तो बच्चों को भी लेकर के दोनों को भी बंद कर दिया। अब देखने के लिए देखे ये क्या करते हैं। फिर जब ब्रह्मलोक से आए एक दिन के बाद में, कितना, एक वर्ष, एक दिन भी, एक मिनट, इतने में वहां पर जब ब्रह्मलोक में गए एक मिनट के लिए, उन्होंने देखा जे चपरासी उनका जो खड़ा कहता है यहां पर कौन है आप? अतः मैं ब्रह्मा हूं, देखता नहीं है चतुर्मुख, अतः हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे हैं। अरे ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनको घुसने नहीं दिया, ध्यान लगा, अरे वो तो प्रभु जी हमारे बैठे हुए, हमने कुछ गलती की, दौड़ करके आया। इतने में देखा जैसे वहां पर भी बछड़े, यहां पर भी बछड़े, ऐसा कैसे? वहां पर जाकर के देखा खोल करके तो बछड़े हैं और इधर में चल रहे हैं। अच्छा तो दोनों में असली कौन है ये पता लगाना चाहिए, अभी भी पता नहीं लगा सके जो असली कौन सा है, वो उधर में छिपे हुए हैं या इधर में, कुछ पता नहीं लगा सके। तब उनके चरणों में गिर पड़े और कहा जे प्रभु हमारी ये गलती हो गई, हमने ये थोड़ी सी आपकी लीला देखने के लिए मुझको जैसा करना चाहिए थे प्रार्थना नहीं करके अपनी बुद्धि लड़ाई, इसलिए हमारे अपराध क्षमा कर। इसके बाद में ब्रह्मचारी जी ने जो सब बातें कही वो सब पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद में ये तो ऐश्वर्यमयी लीलाएं देख लाया, और देखा ये छोटे से ग्वाल के लड़के बनकर के अढ़ाई वर्ष की उम्र में मैया मैया कह रहे हैं, और यशोदा जी ने कैसे उनको ओखल में बांध दिया, कैसे रो रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर में आप बतलाइए। खूब अधिक में मत जाना, 5 मिनट में जल्दी से कर करके फिर चलना है। भगवान अपने प्रेमी के हैं मुग्ध बन जाते हैं, मुग्ध माने क्या, अनजान जैसे बन जाते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं, भगवत्ता भूल जाते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं। कैसे ये कृष्ण जगत के प्रभु हो करके और छोटे से बन करके कैसे रोते हैं, मैया से डरते हैं। मैं सबसे पहले अस्मृति गुरुपाद पद में अनंत कोटि साष्टांग का दंडवत उनकी ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परिकथा श्रवण विपासु श्रोताओं को यथाजोग्य योग्य पद ज्ञापन करता हूँ। आज अभी श्री महाराज जी पूज्य वासुदेवानंद प्रभु के द्वारा कृष्ण की ऐश्वर्य में लीला दिखवाई, अब मुझे आदेश दिया महाराज जी ने कैसे कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी कैसे ब्रजवासी के प्रेम में वशीभूत हैं, माँ के डर से डर रहे हैं। एक छोटी सी लीला वर्णन करके उसका मैं ये दृष्टिकोण, इस दृष्टि विचार दिखाऊंगा कृष्ण कैसे माधुर्य में वशीभूत होते हैं। कृष्णचंद्र जी घर घर में मक्खन चुराते हैं, कभी किसी गोपी ने पकड़ लिया, कृष्ण हंस करके बोले अरे मैया ये तो मैंने सोचा ये मेरा घर है,
अच्छा ऐसे कृष्ण हंसे, हाथ उनका ढीला हो गया, भाग गए। फिर किसी घर में मक्खन चुराते हैं, एक गोपी ने पकड़ लिया, पूछा अरे कृष्ण कान्हा तू ऐसे क्यों कर रहा है? अरे मैया मेरा बछड़ा उसमें कूद गया, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। अरे तेरा बछड़ा कूद गया? हाँ माता जी मैं क्या करूँ, ढूंढते ढूंढते इधर आया। बोले कहाँ तेरा बछड़ा? तो मक्खन के हाड़ी में हाथ लगा करके ऐसे मक्खन को गुलो दिया, एक मार्बल का जब मार्बल का छोटा सा बछड़ा निकाला जो पिताजी ने दिया था, नंद बाबा उनको खेलने के लिए खिलौना दिया था। बोले ये देखो मेरा बछड़ा तुम्हारे हाड़ी में कूद गया था। सब लोग हंसने लगे, इसमें किसान भागे। सब गोपियां आकर के मैया जसोदा को उलाहना देती थी, तो देखो तुम्हारे कान्हा ऐसे चंचल है, ऐसे चुरा रहा है, पीछे जाकर के डाकू बनेगा। जसोदा माँ सोचती थी ओहो ये कैसे हो सकता है, ये लोग जरूर झूठ बोलती होंगी, मेरे तो बिल्कुल भोला भाला बच्चा है, ये कैसे कर सकता है। एक दिन कृष्ण मक्खन चुराया, एक गोपी ने पकड़ लिया उसको, बोले चलो एक दीजिए मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी, तेरी माँ तो कभी मानती ही नहीं कि तू मक्खन चुराता है, तो पकड़ के ले जा रही है। जसोदा के घर के सामने आकर के आवाज लगाई, ओ सखी जसोदे, ओ जसोदे देखो तुम्हारे दादा का कारतूत देखो। जसोदा मैया दौड़ती हुई आई, वो उस समय कृष्ण को स्तन पिला रही थी। जसोदा माँ तो आ गई, कृष्ण देखा माँ नहीं, कृष्ण भी धीरे से धीरे धीरे पलंग से उतर करके आ रहे हैं। जसोदा का देखा यह दिखला ना तो कहा मेरा बच्चा माखन चुराया। जब अपने कपड़े का अंचल हटाया तब देखा जो गोपी कृष्ण को पकड़ के लाई थी वो अपने बच्चों को पकड़ के ले आई। इतने में कृष्ण पहुंच गए, बोले मैया देख तेरी सहेली जितने सब झूठी है झूठी, अब मैं उनके घर में जाके जरूर मक्खन चुराऊंगा मक्खन चुराऊंगा। मैं तो सो रहा था, मैं तो तुम्हारा सो रहा था तुम्हारे पलंग के ऊपर, ये देखो उसी का, ये उसी का बेटा, ये अपने बच्चों को खाने को नहीं देती है, बेचारा क्या करे, छिपे छिपे चुराता है अपने घर में, अब दोष हमारे ऊपर लगाता है ये लोग, देखो अब मैं जाकर जरूर चुराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अब किसी को। जसोदा सोच रही है वो जो सब लोग क्या झूठ बोल रही है, ऐसा हो सकता है कि हमारा घर में बहुत से नौकर नौकरानियां हैं, वो लोग दूध दहन करती हैं, दही जमाती हैं, मक्खन निकालती हैं, इससे मक्खन खट्टा हो जाता होगा, अब मैं आज खुद करूंगी ये सब कुछ, सबको छुट्टी देगी। दीपावली के पहले दिन छुट्टी दी, बोले जाओ तुम लोग जाके दीपावली जलाओ। दो तीन दिन छुट्टी मिल गई सबको, अब दीपावली जलाने के लिए गए, माँ जसोदा खुद दूध का दहन किया, दही जमाई, और सुबह होते ही क्या कर रही हैं, कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं उनको स्मरण करते हुए दही उसको मंथन कर रही हैं। जसोदा माँ के हाथों में सोने का कंकन है, चुड़िया है, इतने सुंदर लोग मंथन कर रही हैं, मानो चुड़िया करताल जैसे बज रहा है, जैसा हम करताल बजाते हैं ऐसे करताल बज रहा है, और मंथन इतने बड़े हाड़ी मंथन कर रही है, इसमें इतना सुंदर शब्द हो रहा है मानो कोई मृदंग बजा रहा हो, धिक्तान धिक्तान ये शब्द हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? हमारे गुरुवर्ग ने इस शास्त्र में दिखाया जो लोग भगवान के भजन नहीं करते हैं उन लोगों को धिक्कार है, उन लोगों को धिक्कार है। मनुष्य जन्म पा करके जिन्होंने ये भगवान की भजन नहीं किया उन लोगों को जन्म बेकार है, उन लोगों को धिक्कार है, इसलिए धिक्तांग धिक्तांग ये शब्द निकल रहा है। कृष्ण को लगी अब वो मैया जब दधि मंथन करने के लिए आई थी, हाँ तो वो क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही और कह रही है गोविंद दामो धर्मादने संघंतयन्तो मुसलैः गायन्ति गोप्य जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द
सवेरे उठ करके क्या पढ़ा रहे? गोविंद रामो से कूट रही है चावल या गेहूं और कह रही है क्या? गोविंद रामो दरबार रेति, गोविंद रामो दरबार रेति। कोई लीप पोत रही है, घर को साफ कर रही है, बच्चे को थपथपी देकर के सुला रही है और कह गोविंद रामो करके गा रही हैं और दति मंथन घर घर कर रही हैं। कृष्ण उठा और पलंग पर देखा जी मैया कहां, काजल लगे हुए नंगा है, अभी तो छोटा सा भी 2.5 वर्ष का केवल बेटा, भूख लगी मैया को देख रहा, मैया ने मिल, फिर क्या हुआ आगे चलो। मैया को कटोला बिस्तरा पर, मैया तो मिली नहीं, धीरे 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 पेट के बल पर बहुत मुश्किल से पलंग से उतरे। जो गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हुए कष्ट नहीं लगा, निशिंग रूप में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कष्ट नहीं हुआ, पृथ्वी को धारण किया वराह रूप में, वराह रूप में कैसे पृथ्वी को धारण किया, उस समय ना कष्ट नहीं लगा। आज माधुर्य में इतने वशीभूत हो गए हैं कि मैया के प्रेम में इतने वशीभूत हैं, पलंग से उतरने के लिए कष्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल से पेट के बल पर धीरे 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 खिसकते हुए उतरे और मैया मैया रो रहे, रो रहा है मैया मैया, और तो कुछ कर नहीं सकते, बाला नाम रोदो नाम बलम। बच्चे लोग क्या करते हैं जब अधिक रोते हैं तो मैया समस्त काम छोड़ करके बच्चे को गोदी में लेकर के स्तन पिलाती है। तो मैया मैया पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, मैया इतना तन्मय हो गई गोदी मंथन में, ये गोविंद दामोदर माधवेति करते हुए कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इसमें जसोदा कि दधि मंथन में क्या शिक्षा है, हम लोग घर में कुछ भी करें हमें करते हुए सबसे भगवान का नाम करना चाहिए तो हमें किसी प्रकार दुख नहीं होगा। धीरे कृष्णा सामने आए, जितने नजदीक आ रहे हैं कृष्णा अपने रोने का वॉल्यूम और बढ़ा रहे हैं, जसवंत कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और नजदीक आकर के देखा, अहो मैया तो दधि मंथन कर रही है, ठीक है इस दधि मंथन को बंद बंद कर दूं तभी मैया मुझे प्यार करेगी। नजदीक आकर के क्या किया, एक हाथ से मंथन दंड को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से मैया को ये घूंघट को पकड़ लिया, यही पकड़ा दधि मंथन बंद हो गया। अरे क्या बात है, ये दधि मंथन बंद कैसे हो गया, ऐसे मुड़कर के देखा ये लल्ला आ गया है, समस्त काम छोड़ करके कृष्ण गोदी में लेके स्तन पिलाने लगी। कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवान के भी भगवान है, उससे समस्त ब्रह्मांड के रोमकूप से निकलते हैं, कृष्ण के पेट में इतने भूख है कि जिंदगी भर भी पीते रहे तो बिना भूख मिटेगा नहीं, और जसोदा माँ के स्तन में इतना दूध है कि समस्त क्षीर समुद्र के दूध जसोदा माँ के स्तन के बूंद के बराबर है। इसलिए ऐसे लाखों कृष्ण जिंदगी भर पीते रहे, जसोदा माँ का स्तन कभी भी दूध कम नहीं होगा। कृष्ण भी पी रहे उनका भूख नहीं मिटेगी और जसोदा माँ का स्तन का दूध भी कभी खत्म नहीं होगा। इतने में हुआ क्या, माँ जसोदा और दूध गर्म करने के लिए चूल्हा पर रखा था, दूध उफन उफन करके गिर गया है, दूध सोच रहा हो माँ जसोदा का स्तन से दूध तो कभी खत्म नहीं होगा, संक्षेप में बोलो कब तो मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता, इसलिए मुझे मर जाना ही ठीक है, इसलिए उफन कर गिर रहा है। मैया जसोदा ने क्या किया, सोच रहा हो तुम मत मरो, मैं तुम्हें पहले सेवा का सुयोग दूंगी पीछे मैं करूंगी। तो क्या किया, कृष्ण देखा मैया को जाने के लिए व्यस्त है, जब पुतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण तो 6 दिन के शिशु थे, पुतना 10,000 हाथी के बल वाली थी, छोड़ो छोड़ो करके छुड़ा नहीं सकी। आज मैया जसोदा इसमें कृष्ण 2.5 साल के हो गए हैं, अपने पैर से कमर को लपेट लिया, हाथों से और जीभ से दांतों से स्तन को पकड़ लिया, जैसे बंदर के बच्चा बंदर को पकड़ता है, ऐसे पकड़ा। माँ जसोदा एक ही हाथ से उठा बैठा के चली गई।
ईश्वर का आदेश, मैया मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है मुझे कुछ करना है, अब क्या किया, ये दुधी मंथन कर रही है मैया, इसमें उलाट दू, उलाटने के बहुत कोशिश की उलाट न सके, तब देखा ये मसाला पीस में कहा सिर लोड़ा होता है, लोड़ा पड़ा हुआ था, इससे मैं इसको तोड़ दू, तब मैया दुधी मंथन नहीं कर पाएगी, अब ऊपर तोड़ना चाह वो तो मोटा तोड़ नहीं सके, नीचे ठुक से मारा और फुआरा के भांति बहुत तेजी से दही निकल रहा है, तो दही मंथन करके पतला हो गया था, जिसमें तो बहुत आनंद हुआ, फिर सबसे लगा डर, अब तो मैया आ जाएगी, अब तो मुझे मारेगी, क्या करूं, अब धीरे 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 उससे खिसकने लगे, जल्दी करो, चोर जब कुछ चुराता है बहुत बुद्धिमानी से चुराने पर भी ऐसे कुछ निशान छोड़ जाता है जिससे सीआई जाकर उसको पकड़ लेता है, ऐसे कृष्ण जा रहे हैं उस स्थान को छोड़ करके, ये दधी बह रहा है उसको पैर देके जा रहा है, मानो जसोदा को ये पैर का छाप बुला रहा है कि मैया मैं इधर जा रहा हूँ, जाकर के कमरे में घुस गए, देखा उस कमरे में मक्खन शिखा में बना हुआ है, उस कमरे का दो दरवाजा, एक अंदर जाने के लिए एक बाहर की तरफ, तो जो अंदर आने के लिए दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दिया, थोड़ा सा करके उधर उदूखल था जिससे जिसमें ये गेहूं ये सब छटती थी जसोदा मैया उस पर चढ़ गए, अब मक्खन खाने लगे, इतने में बहुत से बंदर आ गए, कौवे आ गए, कृष्ण खा रहे हैं, बंदरों को कौवे को लुटा रहे हैं, क्यों, जब कृष्णचंद्र जी रामचंद्र के रूप में आए थे सीता के उद्धार के लिए और अपने प्राण को बलिदान किया, उस समय रामचंद्र को खिला नहीं सके, कृष्ण कह रहे अहो अब मेरा मौका मिला, मेरी सीता को उद्धार के लिए इतना लोग प्राण निछावर किया, अब मैं जी भर के मक्खन खिलाऊं, इसने मक्खन लुटाया बंदरों को, कौवे कौन है कि ये रामचंद्र के भक्त काक भुसुंडी तो लोग को मक्खन खिला रहे हैं, मैया जसोदा के देखा, देखते हुए पता चल गया कृष्ण कहाँ गया, धीरे धीरे आकर देखा खुद मक्खन खा रहा है और लोग लुटा रहा है, धीरे से जाकर एक छोटा सा बेद लिया, अब कौन में घुस गई बिल्ली की भांति, उखल के पीछे आकर कब पकड़ने वाली थी, जब नजदीक आए तब देखा बंदर और कौवे भाग रहे हैं, अरे क्या बात है ये बंदर और कौवे क्यों भाग रहे हैं, तब देखा मैया पकड़ने वाली है वहीं से कूदे और भागे, जसोदा भी उनके पीछे पीछे भागी, भागते भागते उनको उनसे भी तेजी से दौड़ करके पकड़ लिया पीछे से, उससे भी कृष्ण से तेजी से दौड़ करके पकड़ लिया, इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य मत मान आगे चलो, उनको पकड़ लिया, जसोदा जी तुझे मारू, बोले मैया मत मार, बोले अच्छा तू बोल ये दधी का हंड को हंडी को तू तोड़ा क्यों, बोले मैया मैं तो तोड़ा नहीं, बोले किसने तोड़ा, बोले तेरे पैर में ये सोने का मोटा मोटा कड़ूल लगा हुआ है जो पहनती है तू, जल्दीबाजी में तू दूध के बचाने के लिए जा रही थी, तेरे से टक्कर लग रहा ये टूट गया, ये मेरा कोई दोष नहीं है, बोले तू झूठ है तू चोर है, तब कृष्ण ने कहा मैया मेरा वंश में कोई तो चोर नहीं, तेरा वंश में ही कोई चोर है, यानी यशोदा माँ के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम था चोर घोष, कृष्ण ये मैया से सुना था उनको याद था, तब बता मेरे बाप के वंश में चोर नहीं तेरे वंश में चोर है, जैसे तू इतना ठीक है, तो जैसे मैं सोचा अहो इसको मैं अगर अभी छोड़ दूं तो ये बहुत बिगड़ा हुआ है, कोई भाग जाएगा, मैं उनको बंदर बंधु ये सब बताया, या सामने जमुना जी है कुछ जाएगा, इसमें बंद करके रखूं, पीछे फिर उनको घर का काम करके उनको छोड़ दूंगी, ऐसे जसोदा मैया उनको बांधने लगी, जब ही बांधने जाती है दो अंगुल कम हो जाता है, पहले अपने सिर का रस्सी जो जुड़ा बांधने की रस्सी उसको खोला, दो अंगुल कम है, एक एक करके बहुत से रस्सी मंगाई, हर समय दो अंगुल कम है, जसोदा मैं सोच रही हो मेरा कोख से निकला मेरा बच्चा, मैं इसको बांध नहीं सकती, उनके सहेलियां कह रही है रे जसोदे इनके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन नहीं लिखा, विधाता ने बंधन नहीं लिखा, इसे छोड़ दे तू, जसोदा नहीं बांधते ही मैं रहूंगी, आज नहीं काल नहीं परसों नहीं वर्षों में जरूर बांधूंगी ही, तो दो अंगुली कम क्यों, हम जो भजन करते हैं एक भजन प्रतिष्ठा और दूसरे हैं भगवान की दया, हमें ऐसे भजन करना पड़ेगा कि भगवान का चित्त पिघल जाए, ऐसे भजन करने में भजन के कष्ट देख करके तब भगवान के चित्त द्रवीभूत होता है, इसलिए एक भजन प्रतिष्ठा दूसरे भगवान की कृपा, जब तक भगवान की कृपा न हो
तब तक भगवान वसुदेव नहीं होते हैं? हमारे भजन से ही नहीं होंगे, बैठो, हमारे भजन से ही नहीं होंगे। भजन करने का तात्पर्य है हम शरणागत होंगे, और भजन करने का जो कष्ट है देकर के कृष्ण का चित्त पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा। इसलिए हमारा जो साधन है भजन करने का वह एक अंगुल, और जब तक उसमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये दो अंगुल पूरी नहीं होती। ऐसी ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा कृष्ण कितने सुंदर रूप में लीलाओं को कर रहे हैं। हमारी तो इच्छा थी जैसे बहुत सी सुंदर सुंदर ऐसे ही लीलाओं कहूंगे, रुक्मणी का कैसे विवाह शादी हुआ, सुदामा जी का कैसे हुआ, और गोपियों के साथ में कैसे नृत्य किया। यह कामदेव के ऊपर में विजय है, रासलीला ये साधारण चीज नहीं है। यहाँ पर 16,000 गोपियां बड़ी बड़ी सुंदरी, लक्ष्मी जी से भी अधिक सुंदरी, और एकांत निर्जन प्रदेश जमुना जहां कल कल बह रही है, षड ऋतुओं के फूल फूले हुए हैं, कोई नहीं है, चंद्र भी प्रकाश हो रहा है पूर्व की दिशा में, और वहां पर ये 16 सहस्त्र गोपियों के बीच में अकेले कृष्ण, और वो नाच रहे हैं, और तभी उनको काम नहीं हुआ। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज अभी सुने होंगे आप, पेपरों में देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम ना जाने क्विंटल ना क्या नाम, क्विंटन क्लिंटन, हम उनको क्विंटल समझते थे, तो क्या क्लिंटन, तो वो देखिए संसार में सबसे समृद्ध राष्ट्र के प्रेसिडेंट ने अभी ईरान को इराक में कैसे चढ़ाई कर दी, मारो आज वो विश्व के सबसे मालिक कर्ता धर्ता दूसरे खुदा बने हुए हैं, गॉड बने हुए हैं। और देखिए अपने एक ऑफिस गर्ल को देख करके अपने को कंट्रोल नहीं कर सके, देखिए ये बात ने? उनकी लड़की के समान ऑफिस गर्ल।